पूजा पाठ, कर्म कांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपको इस दीपावली के पावन पर्व की। हार्दिक शुभकामनाएं और इस ज्योतिष शिक्षा कार्यक्रम को लगातार आप देख रहे हैं और दिव्य मंत्रों की साधना के विषय में आपको पिछले एक हफ्ते से निरंतर इन विषयों पर, सावर मंत्रों पर, स्त्रोत्रों पर हमने आपको सुंदर सुंदर वीडियो दिए हैं। आपको इनमें से जो भी अच्छा लगे आज दीपावली के पावन पर्व पर, आप इनको जरूर रात्रि में, निशीथ में, महाकाली के पूजन के समय में आप इनको जागृत कर सकते हैं और इनका दिव्य लाभ अपने जीवन में ले सकते हैं। कहते हैं कि तप्यन्ते तपः, जब हम इस शरीर को तपस्या के द्वारा तपाते हैं तो अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, अष्ट सिद्धियाँ, नौ निधियाँ सब कुछ प्राप्त होती हैं। भगवान हनुमान जी के भी आपको हमने शावर मंत्रों का प्रयोग दिया है और आज आपके लिए दीपावली में किस तरह से भगवान गणपति और लक्ष्मी जी, कुबेर भगवान, इनका सबका किस तरह से पूजन करना है, आप जरूर इसको ध्यान देंगे। हमने प्रयास यही किया है कि कम समय में एक अच्छा वीडियो बने जिससे आप लोगों को पूजा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो बहुत विस्तार करने के उपरांत भी बहुत इस पूजन का वो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमने प्रयास यही किया है कि कम समय में आपको इस लक्ष्मी पूजन के विषय में आपको जरूर बताएं। आप सुंदर धुले हुए वस्त्र पहन करके, वैसे सफ़ेद वस्त्रों में बैठे तो बहुत अच्छा रहेगा, एक उत्तरी वस्त्र लेकर के शपथनीक होकर के सामने भगवान गणपति और लक्ष्मी जी की स्थापना करके आप सुंदर ऊन के आसन में बैठ जाएंगे, जलपात्र रख लेंगे और पूजन की सभी प्रकार की सामग्री, फल फूल, मिष्ठान, पान, सुपारी आदि सब अपने सामने रख करके बैठेंगे और एक पात्र में गंगा जल और एक में जल और एक में पंचामृत, इस तरह से ये तैयारी करेंगे और बैठ करके सुंदर कुशे की पावित्री या सोने की मुद्रिका धारण किए हैं तो पवित्री की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने ऊपर बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल डालना है, अपने ऊपर जल छिड़कना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः अस्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवाहियाभ्यां तरः शुचिः, अपने सिर पर जल छिड़कना है और इसके उपरांत शिखा में ग्रंथि लगा लेना है। ऐसे हाथ स्पर्श करके चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे, इसके पश्चात में इस दाहिने हाथ से दाहिने नासिका छिद्र को बंद करके तीन बार प्राणवायु को खींचना है, प्राणायाम करना है और इसके उपरांत में तीन बार हाथ में जल लेकर आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, फिर हाथ धो लेना है जल से, ऋषिकेशाय नमः, इस तरह से अपने गले में कोई आप कमलगट्टा की या रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं, यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं और अपने मस्तक में थोड़ा से तिलक लगा ले सकते हैं, क्योंकि यदि खाली मस्तक से आप पूजन करते हैं तो पूजा का अधिकार आपको प्राप्त नहीं होता है। इस तरह से अपने हाथ में आप एक कलावा मौली भी बांध सकते हैं। जैन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबधनामी रक्षे वाचल माचल, ओम, इस तरह से रक्षा सूत्र बांध करके और इस यज्ञोपवीत धारण करके, मस्तक में चंदन धारण करके, पुराना यज्ञोपवीत यदि आप धारण किए हैं तो उसको उतारना है, मंत्र पढ़ना है। एतावद्दिन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् तत्परित्यागो गक्षसूत्रं यथा सुखम्, पीछे से यज्ञोपवीत को उतार देना है, आगे से नया यज्ञोपवीत
धारण कर लेना है और इसके पश्चात में अब आप शुद्ध पवित्र हो गए हैं। भगवान नारायण का ध्यान करना है, अपने गुरु का ध्यान करना है, भगवान गणपति का ध्यान करना है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि, ऐसा कह करके थोड़ा न्यास करना है अपने हाथों से, संबंधित अपने हाथों को स्पर्श करना है। वांच में आसोस्तु, नासोर में प्राणोस्तु, चक्षोर में चक्षुरस्तु, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, बाहोर में बलमस्तु, उभयोर में ओजोस्तु, अरिष्टानि में अंगानि संतु को महियाम, इस तरह से अपने अंगों का स्पर्श करना है। बैठे हुए आसन पर थोड़ा जल छिड़क देना है, क्योंकि आसन पर जब जल छिड़क करके धरती माँ को प्रणाम करना है। पृथ्वी त्वयार्हता लोकान् देवी त्वं विष्णार्हता त्वं च धारे माम देवीं पवित्रं कुरु चासनम समुद्रवशने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे, धरती माँ को प्रणाम करके हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करना है। सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नं तस्य न जायते, इस तरह से भगवान गणपति के सामने इसको छोड़ देना है, उनका ध्यान करना है। सर्वस्थूल तनुं गजेन्द्र बदलं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्द्यस्तन मंद गंध दुग्धं मधुब्याल गंडस्थलं दंताघात विदारितारि रुधिरै सिंदूर शोभाकरं वंदे शैलसुता सुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं पकामदं ओं गंगणपते नमः ध्यानं समर्पयामि, इस तरह से भगवान गणपति के सामने ध्यान अर्पित करना है, उनका आवाहन करना है थोड़े से अक्षत लेकर के। गंगणपते नमः त्वां गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, इस तरह से भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गंगणपते नमः आवाहयामि, उनको अक्षत से थोड़ा आसन देना है। इस आसन पर ओम गंगणपते नमः आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि, इसके पश्चात में उनको स्नान करवाना है। ओम गंगणपते नमः पाद्यम अर्घम आचमनीयम स्नानम समर्पयामि, फिर एक वस्त्र उनको अर्पित करना है। ओम गंगणपते नमः वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि आचमनीयम जलम समर्पयामि, वस्त्र पहनाने के बाद उनको आचमन करवाना है जल से, फिर उनके ऊपर एक यज्ञोपवीत अर्पित करना है। भूर्भुवः स्वः गंगणपते नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि, इसके पश्चात सुंदर पीला चंदन पीला सिंदूर भगवान गणपति के मस्तक पर लगाना है। ओम गंगणपते नमः चंदनम समर्पयामि गंगणपते नमः अक्षतान समर्पयामि ओम गंगणपते नमः सिंदूरम समर्पयामि ओम गंगणपते नमः बिल्वपत्रम समर्पयामि ओम गंगणपते नमः दूर्वान कुरान समर्पयामि ओम गंगणपते नमः सिंदूरम समर्पयामि ओम गंगणपते नमः धूपम आघ्रापयामि ओम गंगणपते नमः दीपम दर्शयामि, इस तरह से आरती करके और जो भी नैवेद्य आपके पास है तांबूल पुंगी फल और दक्षिणा एक में रख करके भगवान गणपति के सामने भूर्भुवः स्वः गंगणपते नमः नैवेद्यम निवेदयामि आचमनीयम जलम समर्पयामि गंगणपते नमः तांबूलम समर्पयामि ओम गंगणपते नमः पुष्पांजलिम समर्पयामि, इसके पश्चात हाथ में जल लेकर के गंगणपते नमः कृतायाः पूजायाः सद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, थोड़ा दक्षिणा रख देना है।
आरती करके, उनकी प्रार्थना करके, मंत्र पुष्पांजलि करके हाथ से परिक्रमा कर लेना है, प्रणाम कर लेना है। इसके पश्चात में विशेष प्रकार का अर्घ, विशेष अर्घ में चंदन, गंगाजल, अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान गणपति के लिए एक दोना में, एक पात्र में ऐसा कहना है, रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक के रक्षक भक्तानाम अभयम कर्ता त्राता भव भवानवात द्वय मातुर कृपा सिंधो खण मातृ आग्रज प्रभो वरदस्तम वरम देही वांछितम वांछितार्थव अनेन सफलार्घेण वरदोस्तु सदामुम गंगणपते विशेषार्घम समर्पयामि। दोनों हाथों से उनके सामने विशेष अर्घ का जल अर्पित कर देना है, प्रणाम कर लेना है, प्रार्थना कर लेनी है। विश्वेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस तरह से भगवान गणपति की पूजा और प्रार्थना हो गई। ओम गं गणपते नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान समर्पयामि। साष्टांग प्रणाम करके भगवान गणपति को अर्पित करके पुनः नमस्कार करें, फिर भगवती लक्ष्मी का पूजन करने के लिए ध्यान करना है। ओम याशा पद्मासनस्था विपुल कटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्वरण भरमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यै गजेन्द्रै मणिगण खचितै स्नापिता हेम कुंभै नित्यं सा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। ओम महालक्ष्मी नमः आवाहयामि। थोड़े अक्षत उनके आसन के निमित्त दे देना है, एक पुष्प दे देना है कमल का उनके आसन के लिए। इसके पश्चात ओम महालक्ष्मी मैया के लिए सुंदर पात्र में पाद्य बनाना है और उस पाद्य को उनके पैरों के सामने छोड़ना है। ओम महालक्ष्मी नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः हस्तयोर् अर्घं समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः कर्पूर सुवासित जलम समर आचमनम समर्पयामि। इसके पश्चात स्नान कराना है ओम गंगा जल से, जल से, पंचामृत से। ओम महालक्ष्मी नमः स्नानार्थम शुद्धोदकम स्नानम समर्पयामि। स्नानार्थे पंचामृत स्नानम समर्पयामि। स्नानार्थे शुद्धोदक जलम समर्पयामि। स्नान कराने के बाद सुंदर वस्त्र उनको पहनाना है। ओम महालक्ष्मी नमः वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। और यदि वस्त्र नहीं है तो मौली के टुकड़े अर्पित करके आचमनी से जल छोड़ देना है। सुंदर उनको सुगंधित अष्टगंध का चंदन भगवती लक्ष्मी के मस्तक में लगाना है। इसके उपरांत में सुंदर सिंदूर उनको लगाना है। महालक्ष्मी नमः चंदनम समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः कुंकुमम समर्पयामि। महालक्ष्मी नमः सिंदूरम समर्पयामि। महालक्ष्मी नमः अक्षतम समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः आभूषणम समर्पयामि। महालक्ष्मी नमः पुष्पम समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। पुष्पमालाम समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः दूर्वान कुरान समर्पयामि। दूर्वा के अंकुर अर्पित करते हुए अंगों की पूजा करें। बाएं हाथ में जल लेकर के, बाएं हाथ में चावल लेकर के और दाहिने हाथ से दो दाना। ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि। चंचलायै नमः जानुनीं पूजयामि। ओम कमलायै नमः कटिं पूजयामि। कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि। जगन्मात्रै नमः जठरं पूजयामि। बिल्वल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि। कमलवासिन्यै नमः हस्तौ पूजयामि। पद्माननायै नमः मुखं पूजयामि। कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि। ओम श्रीयै नमः श्रियं पूजयामि। ओम महालक्ष्मी नमः सर्वांगं पूजयामि। इस तरह से अक्षत का पुंज भगवती लक्ष्मी के चरणों में अंग पूजा हो गई। अब अष्ट सिद्धियों के लिए सुंदर कुमकुम अक्षत पुष्प से लेकर के और एक एक कमल पुष्प हो या गुलाब का फूल हो या अक्षत और पुष्प एक में मिला लीजिए। ओम
आलिम्ने नमः, ओम महिम्ने नमः, ओम गरिम्ने नमः, ओम लघिम्ने नमः, ओम प्राप्त्ये नमः, ओम प्राकाम्ये नमः, ओम ईसिताये नमः, ओम वसिताये नमः, अष्टलक्ष्मीं पूजयामि। इस तरह से कुमकुम अक्षत पुष्प से ये जो निम्नलिखित 8 महाशक्तियाँ हैं लक्ष्मी जी की, उनकी पूजा करें। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। चारों तरफ से 8 कमल पुष्प या कोई भी पुष्प हो उनको अर्पित करके धूप जला करके भगवती को धूप अर्पित करें। ओम महालक्ष्मी नमः धूपम माघ्रापयामि, ओम महालक्ष्मी नमः दीपम दर्शयामि, ओम महालक्ष्मी नमः नैवेद्यम निवेदयामि। अनार के फल, केले के फल, गन्ना, सिंघाड़ा, इस तरह से दिव्य वस्तुओं से भगवती लक्ष्मी को सुंदर सुंदर 5 प्रकार के मिष्ठान अर्पित करें। और ओम महालक्ष्मी नमः ऋतुफलान समर्पयामि, ओम महालक्ष्मी नमः आसमनीयम जलम समर्पयामि, ओम महालक्ष्मी नमः तांबूलम समर्पयामि, ओम महालक्ष्मी नमः दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। इस तरह से दक्षिणा अर्पित करके 4 बार आचमन करने के उपरांत में आरती तैयार करके और हाथ जोड़ करके आरती को सामने रख करके प्रार्थना करें। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तम ग्रहाण परमेश्वरी। इस तरह से नाना प्रकार से उनको पुष्पों की से पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य पूजन करें। इसके पश्चात में एक मटकी में कुबेर भगवान का आवाहन करके उसमें लाई गट्टा पट्टा इत्यादि सब भर के ऊपर से चांदी का सिक्का रख करके उसको ढक दे, उनका कुबेर के रूप में पूजन करे कि हे भगवान कुबेर। उसमें स्वास्तिक बना करके ऐपन के चावल के हत्थे लगा करके और कुबेर भगवान का पूजन करे, प्रत्यक्ष धनलक्ष्मी गोलक रख करके उनका पूजन करे, और जो आपकी लेखा बही पेन आदि हैं उनका भी रख करके पूजन करें। इसके पश्चात में जो भी हमारे आवाहित स्थापित और भी देवता हैं जिनका हम पूजन करना चाहते हैं उनका पूजन करें। और इसके उपरांत में आरती करने के उपरांत में भाव सहित सारा प्रसाद नैवेद्य अर्पित करके यदि भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो इस मंत्र का 108 बार जप करें। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। कमलगट्टे की माला से 108 बार, 11 बार, 51 बार इस मंत्र का दीपावली में जप करें। भगवती लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी, हाथ में जल लेकर के कहे कि आज हमने ये जो जप किया है उस जप का पुण्य फल आपको समर्पित है। गुह्यात गुह्य गोप्ता तुम ग्रहाण स्मत्कृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान महेश्वरी। इस तरह से भगवती लक्ष्मी के सामने यह अर्पित करें और जो भी मंत्र साधना आपको करनी है उसको करने का समय लक्ष्मी गणेश पूजन के उपरांत आएगा। अब धूप दीप सुंदर तैयार करके कपूर जला करके एक थाली में निश्चित रूप से रख करके और सब लोग मिल करके घर परिवार के जितने भी लोग हैं घंटा घंटी शंख डमरू आदि लेकर के सुंदर करतल ध्वनि के साथ जिनके हाथ में कुछ नहीं है वो अपनी ताली बजाते हुए भगवती लक्ष्मी जी की परिवार सहित आरती करेंगे। आइए आपको आरती के लिए एक प्रेरणा देते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता
सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिधि सिद्धि धन पाता, ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी भवनिधि की त्राता। मैया भवनिधि की त्राता कर्म प्रभाव प्रकाशिनी तुम ही शुभदाता, ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती तहाँ सब सदगुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरो दधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता पाप उतर जाता, ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन ध्यावत मज को तुम निश दिन ध्यावत हर विष्णु धाता, ओम जय लक्ष्मी माता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। साष्टांग प्रणाम करे, बार बार अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। यदक्षर पदभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेद तत्सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। इसके पश्चात में आसन के नीचे जल डाल करके मस्तक में लगावे शक्राय नमः, और अपने प्रायश्चित के लिए हाथ में जल लेकर अनेन कृतेन यथा विधि गणेश लक्ष्मी कुबेरादि देवता पूजन पूर्वकम कृतेन ब्रह्मार्पणम मस्तु। जल छोड़ करके और लक्ष्मी कुबेरम च विहाय सर्वे देवाः स्वस्थानम गच्छ, ऐसा कह करके प्रसाद ग्रहण करे और एक बड़े मिट्टी के शकोरे में सु ऊपर तक तिल का तेल भर करके चार मुंह की एक बत्ती बनावे और चारों दीपकों को प्रज्वलित करके एक को जलने दे, तीन को बंद कर दे। पहले चारों को जलाकर एक कच्चे मिट्टी के प्रय में काजल निकालना है। उस काजल को निकालने के बाद सभी लोग उस काजल को अपने मस्तक में लगाएंगे। यह काजल जिसको भी लगा दिया जाएगा उसके पूरे वर्ष नजर दोष टोना टंबर, और यदि किसी को प्रेत बाधा भी है तो यह काजल तत्काल रूप से उसी समय उसको सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। यह अनुभूत प्रयोग है और इसको जरूर करें। इस तरह से आज भगवती लक्ष्मी का पूजन का विधान हमने आपको बताया। निश्चित रूप से इस विधान से कम समय में आप भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में आपसे पुनः मिलते हैं दिव्य प्रयोगों को लेकर के। आपके हित के लिए सदैव
अच्छी अच्छी बातें, जानकारियाँ इतने श्रद्धा और भक्ति से आप सब लोग सुनते हैं कि हमारा प्रेम और उद्गार नेत्र अंतर बढ़ता जाता है कि कितनी अच्छी अच्छी बातें आपको बता दी जाएं, जिससे आपके जीवन की सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएं। शुभ दीपावली, नमस्कार। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुखवर्धनम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते।